लड़कियों को तो ये पहले से ही डील करना करते आ रहे हैं हम कि ये क्यों पहना है, वो क्यों किया, लड़कों के साथ क्यों घूमा, ऐसे क्यों बैठे, बाल क्यों काटा. आई एम एन एथियस्ट, आई हैव मदर हु इज मुस्लिम, आई हैव अ फादर हु इज हिंदू. वी बिलीव दैट यू नो एग्नोस्टिक एथियस्ट ऑनेस्टली कि कुछ है, अच्छा ही होगा, करो कर्मा, अच्छा करो अच्छा होगा, बुरा करो बुरा होगा. इस्लाम ने ख्वातीन को माशी हुकूक मगरबी मुमालिक से कम 1300 साल पहले दिए। इस्लाम में 1400 साल पहले बालिग औरत को हक होता है कि वो अपनी जायदाद बेचे या खरीदे बिना किसी को पूछ के। मगरब मुमालिक में सबसे पहले इंग्लैंड में 1870 में एक शादीशुदा औरत को हक दिया गया था जमीन खरीदने को या बेचने के लिए, जायदाद खरीदने के लिए या बेचने के लिए, बिना अपने शोहर से पूछे हुए। उसका नाम था मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट और इसको तब्दील किया गया था 1882 में एंड 1887 में सबसे पहली बार। इस्लाम ने यह हक औरत को मगरबी मुल्क से 1300 साल पहले दिए। इस्लाम में औरत नौकरी कर सकती है वो जो शरीयत उसे इजाजत देती है। कोई भी कुरान में आयत नहीं है या सही हदीस नहीं है जो हलाल काम करने से औरत को रोकती है, लेकिन उसे अपने हिजाब को मेंटेन करना चाहिए। हिजाब को इख्तियार करते हुए अगर नौकरी करना चाहे तो कर सकती है। अगर ऐसा कोई काम है जो उसे हिजाब करने से रोकता है तो वो नौकरी, वो काम सही नहीं, वो अन इस्लामिक है, गैर इस्लामिक है। वो काम जो जिस्म की नुमाइश करता है, मिसाल के तौर पे डांसिंग, फिल्म एक्टिंग, मॉडलिंग, ये सारे काम हराम है। बहुत से काम जो मर्द के लिए हराम है वो औरत के लिए भी हराम है, मिसाल के तौर पे शराब खाना में काम करना, जुए के अड्डे में काम करना, गैर इस्लामिक काम करना, ये सारे काम दोनों के लिए हराम है, मर्द के लिए भी औरत के लिए भी। और औरत घर में सिलाई कर सकती है, पॉटरी बर्तन बना सकती है, ऑफिसों में काम कर सकती, जहां अलायदा इंतजाम है मर्द और ख्वातीन के लिए। इस्लाम डज नॉट अग्री विथ इंटरमिंगलिंग ऑफ सेक्सेस। वो काम जिसमें मर्द और औरत घुल मिल के काम करे ये काम सही नहीं। औरत तिजारत भी कर सकती है, लेकिन अगर ना महरम के साथ कोई चीज है तो महरम के जरिए करे, वालिद के जरिए, भाई के जरिए, शौहर के जरिए या बेटे के जरिए। अगर हम सही इस्लामिक माशरा चाहते हैं तो कुछ ख्वातीन को टीचर बनाना हमारे लिए जरूरी है, नर्स बनाना जरूरी है, डॉक्टर बनाना जरूरी है। अगर मैं चाहता हूं कि मेरी बीवी हिजाब करे, मेरी वालदा हिजाब करे, तो हमें देखना चाहिए कि कुछ ख्वातीन हमारे माशरे में कम से कम नर्स बने, कम से कम डॉक्टर बने, गायनेकोलॉजिस्ट बने। लेकिन इस्लाम में ख्वातीन माशी तौर से बड़े जुम्मा हैं, उनके ऊपर कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन नहीं है। फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन इस्लाम में, माशी जिम्मेदारी इस्लाम में मर्द की है। औरत के शादी के पहले उसके वालिद और उसके भाई की जिम्मेदारी है, और औरत के शादी के बाद उसके शोहर की और उसके बेटी की जिम्मेदारी है कि वो सारा माशी खर्चा, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन जो औरत का है वो मर्द उठाए, चाहे वो रोटी कपड़ा या मकान हो, चाहे खाने के लिए हो, पहनने के लिए हो या रहने के लिए हो, ये सारी माशी जिम्मेदारी मर्द की है। औरत को जिंदगी बसर करने के लिए काम करने की कोई भी जरूरत नहीं। अगर वो खुद चाहती है कि मैं हाथ बटाऊं और कोई काम करूं तो वो कर सकती है, लेकिन कोई भी उससे जबरदस्ती नहीं कर सकता, कोई भी उससे जबरदस्ती नहीं कर सकता। और अगर वो औरत कोई काम करती है, जो भी वो कमाती है वो उसकी दौलत है, वो चाहे तो एक पैसा भी अपने पे नहीं खर्चा करेंगी तो भी सही है। अगर वो चाहे तो एक रुपया भी अपने फैमिली, अपने खानदान पे खर्चा नहीं करेंगी तो भी सही है, चाहे तो कर सकती है। क्योंकि अगर औरत जो पैसा कमाती है वो सारा पैसा उसका होता है, फैमिली को चलाने की जिम्मेदारी है मर्द की। इस्लाम में
चाहे बीवी गरीब हो या अमीर हो, चाहे शोहर गरीब या अमीर हो, वो शोहर की जिम्मेदारी है कि माशी खर्चा, सारा फाइनेंशियल खर्चा घर का वो उठाए। अगर औरत चाहे तो काम कर सकती है, लेकिन उससे कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। इस्लाम में औरत माशी तरीके से बड़ी जिम्मे है, और औरत के माशी अगर आप देखेंगे हुकूक वो कई है अल्हम्दुलिल्लाह। जब शादी होती है, शादी के वक्त, निकाह के वक्त, अल्हम्दुलिल्लाह औरत को मेहर दिया जाता है, उसका फायदा होता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 4 में, कि आप औरत को शादी में निकाह के वक्त एक तोहफा दो। मेहर निकाह के लिए फर्ज है, मेहर के बिना निकाह हो ही नहीं सकता, और औरत इज ऑन द रिसीविंग एंड, उसे फायदा है। लेकिन हमारे इस मुल्क के माशरे में, हिंदुस्तानी तहजीब में उल्टा है। हिंदुस्तानी तहजीब में शादी के वक्त औरत मर्द को दहेज देती है, औरत मर्द को डाउरी देती है, और ये बहुत आम है। अफसोस की बात है कि कई मुसलमान भी इस हिंदुस्तानी तहजीब को इख्तियार करते हैं। मर्द निकाह के टाइम पे औरत को मेहर देता है, लेकिन हमारे माशरे में, हिंदुस्तानी माशरे में उल्टा है। दाउरी औरत मर्द को देती है, और उसके मयार के हिसाब से, अगर वो ग्रेजुएट है तो 1,00,000 रुपया दाउरी दहेज, अगर इंजीनियर है तो 5,00,000 रुपया, अगर डॉक्टर है तो 10,00,000 रुपया, 1,000,000 रुपीज, जैसे भेड़ बकरियों को बेचा जाता है मंडी में। इस्लाम में औरत से दहेज या डाउरी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मांगना हराम है। अगर आप इंडिकेशन भी देते हैं ढके छुपे अंदाज में, अगर लड़के वाले लड़की वालों से कहते हैं कि मेरे बेटे को 4 बेडरूम फ्लैट में रहने की आदत है, उसका मतलब 4 बेडरूम का फ्लैट दाउरी में दो, दहेज में दो, यह हराम है। या कोई कहे कि मेरे बेटे को मर्सिडीज कार में घूमने की आदत है, यानी इनडायरेक्टली ढके छुपे अंदाज में आप कह रहे हैं कि मुझे मर्सिडीज कार चाहिए दहेज में। डायरेक्टली इनडायरेक्टली दहेज औरत से मांगना इस्लाम में हराम है। अगर खुशी से लड़की वाले कुछ तोहफा देते तो आप ले सकते, लेकिन मांगना जबरदस्ती या इनडायरेक्टली मांगना इस्लाम में हराम है। माशी तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह खवातीन बड़ी जिम्मे है, और इस्लाम में अगर डिवोर्स होता है, तलाक होता है, या शोहर मर जाता है, औरत विधवा हो जाती है, उसे इद्दत के दौरान उसकी सारी फाइनेंशियल लायबिलिटीज, जो खर्चा होता है, माशी खर्चा जो होता है इद्दत के दौरान, उसकी जिम्मेदारी है आदमी की। अगर वो जिंदा है तलाक के दौरान, वो सारा खर्चा उठाना चाहिए। अगर उसका इंतकाल हो गया तो उसकी दौलत में से, वो इद्दत के दौरान सारा खर्चा मर्द के दौलत में से औरत का ख्याल रखा जाता है। और अगर वो पेट से है, हमल से है, तो जब तक बच्चा पैदा होता है उस टाइम तक सारा खर्चा आदमी को उठाना चाहिए। और अगर बच्चा पैदा होता है और बच्चा है, तो जब तक बच्चा बालिग होता है उसका खर्चा उठाना चाहिए मर्द को। ये है इस्लाम में खवातीन के हुकूक। और अगर कोई शख्स का इंतकाल होता है तो उसके इनहेरिटेंस में अल्हम्दुलिल्लाह औरत का भी हिस्सा है। मिराथ के अंदर अगर किसका इंतकाल होता है तो जायदाद में हिस्सा मर्द के अलावा औरत का भी है। ये था मुख्तसर से खवातीन के माशी हुकूक इस्लाम में। अभी हम तस्किरा करेंगे इस्लाम में खवातीन के माशरती हुकूक। मैंने माशरती हुकूक को 4 हिस्सों में बांटा है, बेटी के हुकूक, बीवी के हुकूक, वालदा के हुकूक, मां के हुकूक, और बहन के हुकूक। पहले हम तस्किरा करेंगे इस्लाम में माशरती हुकूक बेटी के। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह तकवीर में, सूरह नंबर 81 आयत नंबर 8 और 9 में, जब वो जिंदा गड़ी हुई लड़कियों से पूछा जाएगा कि किस जुर्म के लिए तुम्हें कत्ल किया गया था, अल्लाह ताला फरमाते
जब वो जिंदा गड़ी हुई लड़कियों से पूछा जाएगा कि किस जुर्म के लिए तुम्हें कत्ल किया गया था, इसके मानी लड़कियों का कत्ल करना इस्लाम में हराम है। ना ही सिर्फ लड़कियों का कत्ल करना हराम है, दोनों लड़के और लड़कियों को कत्ल करना हराम है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह अनाम में सूरह नंबर 6 आयत नंबर 151 में और सूरह इसरा सूरह नंबर 17 आयत नंबर 31 में कि आप अपने बच्चों का कत्ल मत करो गुर्बत के खौफ से। अल्लाह ताला आपको और आपके बच्चों को रिस्क देगा, मीन गुर्बत के खौफ से आप अपने बच्चों का कत्ल मत करो, अल्लाह ताला आपको और आपके बच्चों को रिस्क देगा। ये कहा गया है सूरह अनाम में सूरह नंबर 6 आयत नंबर 151 में। और अल्लाह ताला फिर से फरमाते हैं सूरह इसरा में सूरह नंबर 17 आयत नंबर 31 में कि आप बच्चों का कत्ल मत करो, अल्लाह ताला आपके बच्चों और आपको रिस्क देगा। बच्चों का कत्ल करना संगीन जुर्म है। इस्लाम में ना ही सिर्फ बच्चों का कत्ल करना जुर्म है, खुसूसन लड़कियों का, लेकिन जब आपको पता लगता है कि कोई लड़की पैदा हुई और आप अफसोस करते हैं, इस्लाम में इसकी ममानियत है। अगर आप अफसोस करते हैं कि आपके घर में कोई लड़की पैदा हुई, यह भी इस्लाम में गलत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नहल में सूरह नंबर 16 आयत नंबर 58 और 59 में, जब कोई शख्स को खुशखबरी मिलती है कि उसके घर में एक लड़की पैदा हुई और उसका मुंह छोटा हो जाता है, उसे अफसोस होता है, वो अपना चेहरा बाकी लोग से छुपाता है और सोचने लगता है क्या मैं इस लड़की को जिल्लत की जिंदगी जीने दूं या इसे जिंदा दफन करूं। आह कितनी घिनौनी सोच है। तो सिर्फ अफसोस करना कि एक लड़की आपके घर में पैदा हुई, यह भी इस्लाम में एक जुर्म है, इसकी ममानियत है। और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सही हदीस है अहमद इब्न हंबल की जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 2104 में, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर कोई भी शख्स अपने दो बेटियों को अच्छे तरीके से परवरिश करता है जब तक वो बालिग हो जाती है, तो आखिरत के दिन में वो शख्स मेरे इतने करीब रहेगा, और दो उंगली अपने ऐसा करते इतने करीब। और एक हदीस है जो अपने माजा किए जो अल्लाह के रसूल फरमाते कि कोई भी शख्स अगर दो लड़कियों की परवरिश करता है, उनके साथ अच्छा हुस्न सुलूक करता है, तो इंशाअल्लाह वो जन्नत में जाएंगे। अल्लाह के रसूल ने सिर्फ कहा नहीं कि लड़कियों और लड़कों को अच्छे तरीके से परवरिश करना चाहिए, उन्होंने एक जिंदा मिसाल पेश की। एक वक्त जब एक शख्स अपने बेटे को चूमता है और अपनी मांडी पे रखता है, लेकिन अपनी बेटी के साथ वो नहीं करता, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि उस आदमी ने नाइंसाफी की, उसे अपने बेटी को भी चूमना चाहिए और अपने दूसरे मांडी पे बिठाना चाहिए। ये फर्ज आपका। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।